बराड चौधरी जी ने स्पष्ट किया है वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए जाना था, लेकिन नहीं गए। इसको देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की ओर से रास्ता बंद है, इसलिए वो कुछ भी कर लें बीजेपी में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। आज वो खुद आए और उन्होंने डिनाई किया कि उस समय क्या बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छी बात है कि आज वो आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, ये अच्छी बात है। उसमें देखिए कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो या अटल जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो या डॉक्टर। मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो दो बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए जाना था, लेकिन नहीं गए। इसको देखिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की ओर से रास्ता बंद है, इसलिए वो कुछ भी कर लें बीजेपी में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। आज वो खुद आए और उन्होंने डिनाई किया कि उस समय क्या बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छी बात है कि आज वो आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, ये अच्छी बात है। उसमें देखिए कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो या अटल जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, इसमें कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, त्याग किया, जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनकी मूर्ति अगर लगी है उस पर लोगों को जाना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नीतीश जी को लेकर जो लगातार चर्चा का बाजार गर्म है, इस चर्चा में कुछ दम है सर? मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो दो बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है, उनमें बचा क्या है, उनमें ताकत क्या बची है? दो वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। कैथल में आज एक बड़ा न कोई निमंत्रण था, नहीं तो जरूर आते। और इस मूर्ति का जो शिलान्यास हुआ या जो मूर्ति लगाई गई, ये तो नीतीश जी के द्वारा ही लगाई गई थी जब हम लोग सरकार में थे। तो हम लोगों को सूचना नहीं थी कि 10:30 बजे कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने अपने कार्यालय में जो मूर्ति लगी है उस पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। अब देखिए ये एक औपचारिकता है, अलग अलग दलों के नेता महापुरुष उनकी मूर्तियाँ सरकार लगाती है, तो अगर आज नीतीश जी आए यहाँ पर तो उसका कोई निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति तो उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के द्वारा मूर्ति लगाई गई है। तो इसलिए ये जो मीडिया में तरह तरह का कयास लगाया जाता है कि आज क्यों आए, कैसे आए, तो इसलिए इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। 17 साल में देखेंगे सर तो 2-3 बार ही पहुँचे हैं, जब उनको सुविधा थी आए वो, जब मैंने कहा कि इसका कोई निहितार्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। सर तेजस्वी यादव ने जब ये फैसला हुआ था तो सरकार में थे, तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर सवाल उठाए थे कि राजकीय जयंती समारोह